गुर्जर कर्मचारी अधिकारी कल्याण परिषद धौलपुर का सम्मान समारोह एवं स्वागत कार्यक्रम आज शाम को सैंपू क्षेत्र के गांव खड़गपुर में रखा गया। एक शाम समाज के नाम नामक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गुर्जर कर्मचारी अधिकारी कल्याण परिषद के नवयुक्त जिला अध्यक्ष मनोज पोसवाल के स्वागत समारोह कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में कमल कंसाना जी एवं उप जिला प्रमुख केदार सिंह पोसवाल जी ने भाग लिया तथा नवयुक्त जिला अध्यक्ष को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। साथ ही कार्यक्रम में गुर्जर समाज के गणमान्य व्यक्ति एवं ग्रामवासी तथा कल्याण परिषद के जिला कार्यकारिणी सदस्यों ने भाग लिया। सभी अतिथियों का ग्रामवासियों तथा कार्यक्रम आयोजक समिति द्वारा साफा एवं माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन अध्यापक दाताराम गुर्जर एवं फौजी गुर्जर ने किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मरीना में वार्षिक उत्सव एवं एल्यूमिनी मीट कार्यक्रम का आयोजन प्रधानाचार्य बत्तीलाल मीणा की अध्यक्षता में मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरपंच प्रतिनिधि नानिक राम तथा विशिष्ट अतिथि किरोड़ीलाल पंचायत समिति सदस्य डॉक्टर भरत सिंह, पूर्व सरपंच मुरारी लाल जाटव, विष्णु कुमार शर्मा, सत्य प्रकाश शर्मा, पत्रकार सुरेश चंद, पूर्व प्रधानाचार्य एवं स्थानीय विद्यालय की छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए तथा अंत में पुरस्कार वितरित किए। कार्यक्रम के मंच संचालन जोगेंद्र सिंह गुर्जर वक्ताता ने किया तथा प्रधानाचार्य ने सभी आगंतुकों का धन्यवाद किया। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर धौलपुर में खुल गया है ब्रज माधव फैमिली रेस्टोरेंट। शुद्ध शाकाहारी भोजन, यहाँ होम डिलीवरी सेवा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ शादी पार्टी व अन्य समारोह के लिए कमरे व हॉल की सुविधा उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर इस प्रकार है 9672320609। पता महाराजपुर चौराहा MRF एजेंसी के सामने GT रोड धौलपुर राजस्थान। धौलपुर में अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा के जिला अध्यक्ष संजय कसाना ने धौलपुर जिले के युवा अभिनेता नीरज गुर्जर के जन्मदिवस के अवसर पर युवा के साथ शुक्रवार को सेवा भाव की भावना को देखते हुए शुक्रवार को शहर के वृद्ध आश्रम पहुंचकर वृद्धजनों के हाल जाने। इस दौरान उन्होंने आश्रम में रहने वाले वृद्धजनों को भोजन कराया तथा उन्हें फूल माला पहनाकर शॉल भेंटकर बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया। उसके बाद राजकीय अस्पताल में लोगों को भोजन के पैकेट वितरित किए। इस अवसर पर समस्त वृद्धजनों ने अभिनेता नीरज गुर्जर को फिल्मी दुनिया में और आगे बड़ी कामयाबी हासिल करने की बात कही और नीरज की लंबी उम्र की कामना की। इस मौके पर पार्षद लोकेंद्र चौधरी, वसुंधरा राजे, समर्थक राजस्थान मंच के जिला अध्यक्ष लोकेश राजपूत, रामनाथ सिंह फौजी, मनु त्यागी, संदीप पहाड़िया, हरिवर रियाना, हरेंद्र गुर्जर, सचिन कसाना, गौरव, अनमोल बंसल, मोहित रोहित सहित युवा उपस्थित रहे। नवी ब्यूटी पार्लर एंड बुटीक एडवांस हेयर एंड स्किन केयर सेंटर। ओपनिंग ऑफर 25% ऑफ ऑन एनी ब्यूटी सर्विस, फ्री 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 ब्लीच फ्री फेशियल कराने पर, हेयर कटिंग फ्री, हेयर स्पा कराने पर, फॉरहेड फ्री थ्रेडिंग कराने पर, अंडर आर्म्स फ्री हैंड वैक्स कराने पर। हर महीने की शुरुआत करिए अब हमारे साथ। क्लीनअप, ब्लीच, हैंड वैक्स, अंडर आर्म्स, आईब्रो, फोरहेड 5 माह लगातार कराने पर 6वें माह फ्री, और ये मात्र 400 रुपये में आपको मिल रहा है। आपको बता दें कि हमारे यहाँ आर्टिफिशियल ज्वेलरी किराए पर मिलती है, यहाँ मेहंदी भी लगाई जाती है। यहाँ ब्यूटी पार्लर, सिलाई, कढ़ाई, ढोलक, मेहंदी आदि का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। एड्रेस ममता गुप्ता, AVM स्कूल के बगल में, घंटाघर रोड, धौलपुर। फोन नंबर 7737308953। धौलपुर राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन एकीकृत के प्रांतीय आह्वान पर जयपुर सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज द्वार पर आयोजित एक दिवसीय ध्यानाकर्षण धरने में
धौलपुर सहित राज्य भर के जिलों से बड़ी संख्या में आए नर्सेज प्रतिनिधियों ने प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राणा के नेतृत्व में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। आयोजित सभा में उपस्थित नर्सेज प्रतिनिधियों ने सरकार द्वारा बजट 2021 में नर्सेज की मांगों की उपेक्षा करने पर नाराजगी जताते हुए राज्यव्यापी चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा करते हुए राज्य भर में 5 अप्रैल से संभागवार धरने के साथ राज्य भर में भीषण आंदोलन की चेतावनी दी है। नर्सेज प्रतिनिधि मंडल द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री एवं प्रमुख शासन सचिव कार्यालय में ज्ञापन भी सौंपे गए। धौलपुर में श्री रणछोड़ भगवान मचकुंड धाम सेवा समिति के संरक्षक कृष्णदास महंत के नेतृत्व में तहसीलदार को मचकुंड धाम में भगवान रणछोड़ की प्रतिमा स्थापित करने बाबत ज्ञापन दिया गया। श्री रणछोड़ मचकुंड धाम विकास समिति एवं आमजन धौलपुर श्री रणछोड़ भगवान की मचकुंड धाम में प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने मचकुंड धाम धौलपुर में श्री मचकुंड महाराज से काल्यवन नामक राक्षस का वध करवा कर अपने रणछोड़ स्वरूप को मचकुंड धाम धौलपुर में ही त्यागा था। अतः आमजन की धार्मिक आस्था एवं भावना को देखते हुए श्री रणछोड़ भगवान की एक प्रतिमा स्थापित करने हेतु श्री मचकुंड धाम धौलपुर की परिक्रमा परिसर में श्री रणछोड़ मचकुंड धाम विकास समिति धौलपुर को एक मंदिर को आवंटित करने की कृपा करे। मंदिर के गर्भगृह में श्री रणछोड़ भगवान की प्रतिमा को स्थापित करने का समस्त खर्चा समिति एवं धौलपुर का आमजन बहन करेगा कि राज्य सरकार पर वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। ज्ञापन देते समय समिति के सदस्य मुकेश शर्मा, एडवोकेट प्रमोद शर्मा, अशोक सिक्करवार, राम शर्मा, लोकेश राजपूत, विराट परमार आदि सभी उपस्थित रहे। धौलपुर में भाजपा का 2 दिवसीय केंद्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन एमबी गार्डन जीटी रोड मेनिया में किया गया, जिसकी अध्यक्षता माननीय मंडल अध्यक्ष नेमीचंद कुशवाहा ने की एवं प्रवक्ता के रूप में स्वतंत्र पारासर जिला महामंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्येक कार्यकर्ता पर ध्यान रखती है और उसको सक्षम एवं आत्मनिर्भर बनाए जाने के लिए प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है एवं धीर सिंह जादौन बाड़े शहर प्रभारी ने अपने पार्टी के सुरक्षा सामर्थ्य के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत समाज के समक्ष चुनौती एवं विचार वर्तमान में प्रदेश में कांग्रेस की विफलताओं के बारे में सत्येंद्र पारासर जी ने अपने विचार व्यक्त कर सभी परीक्षार्थी कार्यकर्ताओं के माध्यम से विचारों को सुनकर धन्यवाद दिया एवं समापन के बाद भोजन की व्यवस्था की गई। इस कार्यक्रम के में पूर्व उप जिला प्रमुख केदार सिंह पोसवाल, रणवीर दंडोतिया, लक्ष्मण सिंह लोधा, करतार सिंह गुर्जर, डॉक्टर कलमन शर्मा, भीमसेन कुशवाहा, दिनेश शर्मा, घनश्याम शर्मा, रणवीर सिंह कुशवाहा, धर्मेंद्र सिंह लोधा, मोहन सिंह गांधीपाल सहित अन्य आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। युवा संघर्ष समिति सरमथुरा के सदस्यों ने किया आरएसए के योद्धा कमर सिंह का स्वागत। आज आरएसए के वीर योद्धा कसियापुरा निवासी कमर सिंह का धौलपुर आरएसए लाइन जाकर वीर योद्धा का माला व साफा पहनाकर किया सम्मान। राजकुमार मीना बथुआ खो व बीएल खेमरी ने बताया कि आज युवा टीम सरमथुरा की ओर से धौलपुर पुलिस की सबसे बड़ी कामयाबी का सबूत दिखाते हुए आरएसए के जवान ने डटकर सामना किया। उनका धौलपुर जाकर माला व साफा पहनाकर किया स्वागत और उनकी वीरता के लिए मनोबल बढ़ाते हुए आमजन में पुलिस का विश्वास बढ़ाने का उत्तम परिणाम दिखाया, जिसमें श्रीनिवास नाया गांव, उदय सिंह काकरेट, अमर सिंह सपोटरा आदि उपस्थित रहे। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के गांव ओडेला में 22 वर्षीय विवाहिता का शव फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिलने से सनसनी फैल गई। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय ग्रामीणों ने घटना की सूचना सदर थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मौका मुआयना कर मृतका का शव कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने मृतका के पियर पक्ष को घटना से अवगत कराया। धौलपुर जिले की क्यूआरटी टीम ने शहर में बदमाश एवं संदिग्ध लोगों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया। शहर के गुलाब पार्क चौराहे, मचकुंड रोड, संतर रोड सहित शहर के प्रमुख बाजारों में बाइक सवार एवं संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई। कार्यवाही के दौरान पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक बाइकों को जब्त कर संदिग्ध लोगों को भी हिरासत में लिया। धौलपुर जिले के सेम्पू थाना इलाके में NH-123 पर 3 मार्च 2021 को कुख्यात बदमाश धर्मेंद्र उर्फ लुक्का को रोडवेज बस में चालानी गार्ड से हथियारों की नोक पर छुड़ाने के आरोपित 5,000 के इनामी एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया है।
बदमाश ने अपने चार सहयोगियों के साथ चालानी गार्ड की आंखों में मिर्ची फेंककर अदालत से पेशी कर लौट रहे बदमाश धर्मेंद्र को छुड़ाने का प्रयास किया था, लेकिन सादा वर्दी में सफर कर रहे आरएसी के जवान एवं एक युवती के हौसले से बदमाश अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। जिला पुलिस ने कार्रवाई कर बीती रात कंचनपुरा थाना इलाके से बदमाशों को गिरफ्तार किया है। सदर थाना प्रभारी रमेश तंवर ने बताया, 3 मार्च को भरतपुर पुलिस का चालानी गार्ड सेवर जेल से कुख्यात इनामी बदमाश धर्मेंद्र उर्फ लुक्का को धौलपुर अदालत में पेशी कराने आया था। चालानी गार्ड बदमाश की पेशी कराकर रोडवेज बस से वापस भरतपुर के लिए रवाना हुआ था, लेकिन NH 123 पर जाखी गाँव के पास 5 हथियारबंद बदमाश धर्मेंद्र उर्फ लुक्का को छुड़ाने के लिए रोडवेज बस में चढ़ गए। उन्होंने बताया, रोडवेज बस जैसे ही पार्वती नदी पुल के पास पहुंची तो बदमाशों ने रोडवेज बस में फायरिंग कर चालानी गार्ड की आंखों में मिर्ची पाउडर फेंक दिया। 5ों बदमाश चालानी गार्ड के हथियार एवं बदमाश धर्मेंद्र उर्फ लुक्का को छुड़ाने लगे, लेकिन रोडवेज बस में सफर कर रहा सादा वर्दी में आरएसी का जवान हिम्मत दिखाकर खड़ा हो गया और बदमाशों से मुकाबला करने लगा। आरएसी के जवान की हिम्मत को देखते बस में सफर कर रही एक युवती वसुंधरा चौहान भी खड़ी हो गई और उसने भी बदमाशों को पीछे से दबोच लिया। इसके बाद बस की अन्य सवारियां भी सहयोग के लिए खड़ी हो गई, जिससे बदमाशों के हाथ पर फूल गए और अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। 5ों बदमाश पार्वती के जंगलों में फरार हो गए। उन्होंने बताया, साइबर सेल एक तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जिला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदमाश धर्मेंद्र उर्फ लुक्का को छुड़ाने के आरोपी 5,000 के इनामी बदमाश योगी उर्फ योगेंद्र उर्फ संदीप पुत्र रामवीर गुर्जर थाना इलाका सराय छोला जिला मुरैना को जिले के कंचनपुर थाना इलाके से गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया, बदमाश को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। श्री धर्मार्थ सहायता समिति बाड़ी द्वारा आयोजित नेत्र परीक्षण में मोतिया बिंद ऑपरेशन शिविर के तहत कुल 130 मरीजों को ऑपरेशन हेतु चयनित किया गया। प्रथम चरण में 65 मरीजों का मोतिया बिंद ऑपरेशन किया जा चुका है एवं द्वितीय चरण में दिनांक 5 शुक्रवार को 48 मरीजों को मोतिया बिंद ऑपरेशन हेतु रतन ज्योति हॉस्पिटल चैरिटेबल ट्रस्ट ग्वालियर ले जाया जा रहा है। हॉस्पिटल में मरीजों हेतु समस्त व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है। समिति अपनी देखरेख से सभी मरीजों का सफल मोतिया बिंद ऑपरेशन करवाने ले जा रही है। मीडिया प्रभारी योगेश गोयल ने बताया कि श्री धर्मार्थ सहायता समिति समाज सेवा एवं मानव सेवा हेतु प्रतिबद्ध है एवं समय समय पर इस प्रकार के आयोजन करती रहेगी। PMO डॉक्टर शिव दयाल मंगल द्वारा हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस को ग्वालियर हॉस्पिटल हेतु रवाना किया गया।